जी, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आपको थंबनेल लेके पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं कहाँ पे। तो हम जा रहे हैं ट्रायम्स के शोरूम में। अपने एक दोस्त है जो ऋषभ भाई, जिन्होंने बुक करवाया था, तो उनका टेस्ट ड्राइव लेने जाना है। और हालांकि हम भी देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आई तो देखेंगे फ्यूचर में कि लेने जैसा है कि नहीं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी बाइक। और वहाँ देखते बहुत सारे मॉडल्स होंगे, तो देखेंगे कौन सा अच्छा अपने को लगता है। तो चलिए, अभी गर्मी लग रहा है और टाइम हो रहा है 12:30, तो निकलते हैं, मिलते हैं आपको गाड़ी में जाके। तो अभी तो गाड़ी में आ गया हूँ, तो अभी निकलते हैं। चलिए, ऋषभ भाई वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो उनको रास्ते से लेके उसके बाद फिर हमें जाना है शोरूम पे। तो चलिए मिलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। वो वेट कर रहे हैं, उनका दो बार कॉल आ चुका है ऑलरेडी। पहुँच तो गए हैं, अभी देखते हैं कब आते हैं वो। ऋषभ भाई वेट कर रहे हैं उनका, फिर यहाँ से चलेंगे शोरूम। फिर शोरूम से जाके देखेंगे। और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है एकदम ना, हल्का हल्का बारिश तो हो ही रहा था मैं निकला तो। आपको दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है। देखिए पुराना अंधेरा हो गया, मतलब बादल देखिए कैसे लग रहे एकदम ब्लैक ब्लैक। तो आज तो बारिश होने ही वाला है लग रहा है, बढ़िया मज़ा आएगा आज। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने डलवाया है, ये मोबाइल होल्डर है, मैग्नेटिक है। आपके एक प्लेट आता है मैग्नेट का, वो आपके फ़ोन के पीछे लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ स्टिक कर दीजिए, फ़ोन एकदम स्टडी रहता है, बहुत अच्छा है। मुझे एक्चुअली कोई जगह नहीं मिल रहा था थार में, क्योंकि कोई ऐसा जगह है ही नहीं जहाँ मैं स्टिक कर पाऊँ, तो मैंने यहाँ बटन के ऊपर ही कर दिया, क्योंकि बटन तो अपना पीछे ही यूज़ हो रहा है ना, ये जो फ़ैन ना वो सब, तो आगे तो कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से अच्छा भी रहता है, यहाँ लगाने से आपको ड्राइव करते करते देख भी सकते हैं, तो ये बढ़िया है। तो अगर आपको लेना है ना तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ 500 के आसपास ही था ये भी, बहुत अच्छा आइटम लगा। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये लगाएं ये ना बहुत ही ख़राब लगता है। ये एक्चुअली मुझे शूट करना होता है ना अंदर का कैबिन का, तभी मैं ये लगाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लगाता, क्योंकि ये ना पीछे दाग हो जाता है निकालने से, तो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बस वो अभी खाली थोड़ा शूट करना था इसीलिए मैंने लगाया था, बाकी मेरा अगर आप मैप यूज़ करते ना उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो देख लीजिएगा आप, ये आपको अमेज़न से ही मिल जाएगा। फिर क्या होता है ना, ये लगाते हैं ना तो बहुत गंदा वाला दिखता है पूरा आपको ना, मतलब रोड पे चलते चलते ना उसी के ऊपर नज़र जाता रहता है। ये आपके साथ भी होता होगा कि अगर मिरर के ऊपर कुछ भी लगाए ना, ग्लास के ऊपर, तो बहुत ही घटिया लगता है। ठीक है, देखते हैं, अभी उनका वेट कर रहे हैं, वो आते हैं फिर निकलते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी फिलहाल हम एसजी हाईवे पे आ गए हैं, और ये है डुकाटी का शोरूम, और उसके बाजू में ही है ये ट्रायम्स का। तो हमें जाना है ट्रायम्स में, तो इसका तो अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अपने बजट के बाहर है अभी तो। तो हमारे ऋषभ भाई ने यहाँ से ही बुक किया हुआ है, फिलहाल तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन सा मॉडल बुक किया हुआ है। अगर अपने को पसंद आएगी तो देखेंगे लेने जैसा है कि नहीं फ्यूचर में। ये वाला मॉडल है ना, ये वाला बुक किया हुआ है। कौन सा मॉडल है ये? ट्रायम्फ 400। प्राइस कितना है इसका? ऑन रोड 2.75-2.77। अच्छा, इसमें तीन कलर अवेलेबल है, एक ब्लैक है, ब्लू है और रेड है। और ये एसजी हाईवे का शोरूम है, इसका एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको आना है तो नंबर और एड्रेस मैं मेंशन कर दूँ, देख लीजिएगा। ये कुछ शोरूम है यहाँ का, फिर ना एक से एक बाइक है। अगर आप आओगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा ये ले ले वो ले ले। ये वाला देखिए, अगर ये रोड पे लेके निकलते तो क्या हालत होगा भाई साहब, सबका नहाके फट जाएगी। Awesome. Thank you.
400 सीसी इंजन है, सिंगल सिलेंडर आएगा, लिक्विड कूल मशीन आएगा, आपको 39.5 bhp का पावर मिलता है 8000 rpm एंड 37 nm का टॉर्क मिलता है आपको 6000 rpm प्लस। अब ये 400 सीसी इंजन है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल, आपको इसमें 39.5 bhp का पावर मिलता है एंड 37.5 nm का टॉर्क। ये ट्रायंफ की न्यूली लॉन्च बाइक है, स्पीड 400 है। अब आगे आ जाइए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। 17 इंच का व्हील है इसका, 110 एम जो है वो टायर की साइज रहेगी फ्रंट में, 43 mm का ट्रैवल डिस्टेंस रहेगा, यूएसडी फोक्स है इसमें, और आपको 140 mm का क्लियरेंस मिलता है। आइए एंड इन द रियर 150x17 इंच रहेगा टायर इसका, आपको इसका सीट हाइट जो है वो 790 mm मिलती है। अब जो बाइक में अभी एसेसरीज देख रहे हो वो है स्टैंडर्ड ही मिलता है आपको, जैसे बार एंड मिरर्स हो गया, लेग गार्ड हो गया, रेडिएटर ग्रिल हो गया, यहाँ पे सारी गार्ड मिलता है आपको स्टैंडर्ड, इवन बैक का ग्रैब रेल भी स्टैंडर्ड मिलता है। आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, हैंडल बार पे आपको इसके सारे ऑप्शंस जो है वो आपको चेंज कर सकते हो, इवन आपको डेट टाइम वगैरह सेट करना है वो भी यहीं से हो जाएगा। ये इसका बटन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो सेट जो है, सेट में आप डेट टाइम वगैरह चेंज कर सकते हो, इवन ओडोमीटर आपका यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी इसमें मिल जाएगा आपको, इवन लाइफ फ्यूल इकोनॉमी का भी ऑप्शन मिलता है आपको चेक करने के लिए, कितना किलोमीटर तक जाएगा बाइक रेंज फ्यूल कैपेसिटी में वो भी आपको इसमें मिल जाता है, और टोटल डिस्टेंस भी कितना कवर करेगा अप्रोक्स वो भी किलोमीटर में आपको दिख जाता है। अगर फ्यूल की बात करते हैं तो इसका जो टैंक है वो 13 लीटर्स का है, आपको 13 लीटर्स का टैंक मिलता है इसमें, प्लस सेफ्टी वाइज अगर मैं बात करूँ तो ड्यूल चैनल EBS मिलती है आपको इसमें, इवन ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो स्विचेबल हो जाएगा, अगर आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ भी कर सकते हो, वो भी ये बटन से ही ऑफ एंड ऑन आप इजीली कर सकते हो, बट जो ABS है वो स्टैंडर्ड मिलता है वो ऑफ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे डिम स्विच है आपका, हैजर्ड लाइट्स आपको यहाँ से ऑपरेट करने को मिल जाएगी, ये पावर बटन है, ये साइड अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर्स है, ऑन आ जाएगा अपर लोअर, यहाँ पे डिपर के लिए है ये, मैं आपको हॉर्न का आवाज़ सुना एक बार स्टार्ट कीजिए ना। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। प्राइस कितना है इसका? इसका ऑन रोड 2.77 रहेगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन इंक्लूड हो गया, इंश्योरेंस इंक्लूड है, एंड जो रोड टैक्स रहेगा वो भी इंक्लूड है। ओके, तो पूरा डिटेल तो आपको केदार भाई ने सब बता दिया है, उनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा और यहाँ का एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूंगा। पीछे आपको दिख रहा है ये है ट्रायंफ का शोरूम जो SC हाईवे पे अहमदाबाद में है, तो आपको कुछ भी इंक्वायरी करना है ना तो उनको कॉल कर लीजिएगा, एक्चुअली परेशान मत कीजिएगा, अगर जेन्युइन इंक्वायरी है तो ही उनको कॉल कीजिएगा, तो नंबर मैं मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं, आप टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं वृषभ भाई, तो आपको दिखाते हैं कि टेस्ट ड्राइव में कैसा लुक आता है गाड़ी का। वृषभ भाई अभी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं,
चलिए किधर भाई, मिलते हैं, चलिए निकलते हैं। फिलहाल तो अभी ऑलमोस्ट 3 घंटा हमने यहाँ पे निकाल दिया है, 3 घंटा हम यहाँ पे थे, 3 घंटे के बाद फिलहाल निकल रहे हैं। चलिए चलते हैं अभी। अपनी थार पे, ये रही अपनी थार। चलिए बहुत गर्मी लग गया, चलिए अंदर बैठते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो पूरा डिटेल तो आपको मैंने बता ही दिया है वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल तो हम निकल रहे हैं और आप देख लीजिएगा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर ट्रायम्स में, क्योंकि इसका बजट नॉर्मली रॉयल एनफील्ड जैसा ही है, तो आप ले सकते हैं। और विज़िट करना है तो यहाँ पे आप विज़िट करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया था, मुझे भी अच्छा लगा है, देखते हैं लेने जैसा लगता है कि नहीं। तो क्योंकि अपने बजट में है तो ले सकते हैं, एवरेज भी उसका 30 के आसपास तो कह रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कितना है, पर 30 तो कह ही रहे तो अच्छा ही है, थार से तो ज़्यादा ही है, तो मज़ा आएगा घूमने में भी। चलिए फिर निकलते हैं, अंदर बैठते हैं। थोड़ा एसी का आवाज़ आएगा तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है बाहर, तो मैंने अंदर आके पहले एसी चालू कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके बजट में हो सकता है, अगर आप रॉयल एनफील्ड लेने का सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से तो ठीक ही है। और 400 सीसी इंजन है और लुक भी बहुत मस्त है, और थ्रोटल देते हैं ना एकदम रॉकेट के जैसे चलती है, तो अगर आपको मज़ा आ जाएगा चलाने में, अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो आपके लिए तो ये बेस्ट है। तो देखते हैं, ऋषभ भाई लेंगे तो अपने भी फिर चलाएंगे। तो अभी चलाया, टेस्ट ड्राइव लिया है उन्होंने भी और मैंने भी लिया, अच्छा था, ठीक है, तो बढ़िया है। अगर आपको लेना है तो मैं बताया आपको, एड्रेस में सब मेंशन कर दूंगा, तो आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो एक ही शोरूम है पूरे गुजरात में, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि एक ही शोरूम है, अभी दूसरी जगह शुरू होने वाला है पर अभी फ़िलहाल नहीं हुए है, अभी तो एक ही है एस जी हाईवे पे अहमदाबाद में, और उसके बाजू में एग्जैक्ट डुकाटी का शोरूम है, तो वो तो आपको मैप से मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, और एक बार विज़िट कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई और भी बाइक लेना चाहते हैं पर एक बार विज़िट करके देख लीजिएगा, शायद आपके मन बदल जाए, क्योंकि ऐसा ही होता है, आप लेने कुछ और जाते हो, ले कुछ और लेते हो, तो बढ़िया ही है, ठीक है। यहाँ से अभी आधा 1 घंटा लगेगा घर जाने में, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।